जय गुरुदेव। 23 दिसंबर सन 2002, ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 24 तारीख की रात्रि में ध्यान में दिखाई दिया कि 400-500 गज का लंबा चौड़ा विशाल मैदान है, जैसा कि गांव के घरों को पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर बिखेर दिया हो। चारों तरफ दीवारों के टूटे फूटे पत्थर नजर आ रहे थे। कुछ पत्थर छोटी छोटी झाड़ियों में पड़े थे। कोई भी मकान साबुत नजर नहीं आ रहा था। सब पूरी तरह धराशायी थे। काफी समय तक ये सीन क्षण क्षण में बदलता रहा और फिर समाप्त हो गया। फिर कुछ मिनट बाद जमीन से आसमान तक पेड़ों की हरियाली छा गई। ये पेड़ों का सीन करीब 300 गज में था। इनके सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे। इसके अलावा भी और भी सीन चल रहे थे। दूसरे सीनों के नाम और पहचान न कर पाने के कारण मैं उनका कोई भी इशारा करने में असमर्थ हूँ। फिर पैरों में दर्द होने के कारण मैं इन सीनों को 15 मिनट तक ही देख पाया और फिर उठ गया। 25 दिसंबर, आज सुबह देर से जागा और 7:30 बजे ध्यान में बैठा तो परम पूज्य गुरु महाराज क्या दिखाते हैं। हो सकता है आप लोग गप माने, ये आपकी समझ है, पर उधर की लीला है ही बड़ी अजीब। फूलों के सूरज उगे हुए हैं, फूलों के सूर्य उगे हैं और उगते जा रहे हैं और क्षण क्षण में उनके सीन बदल रहे हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाने की कोशिश की है। वो सीन तो इससे अलग थे, लेकिन इशारे में दिखाए हैं। ये फूलों के सूरज का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अब आप सोचिए कि वो सीन, वो समा कैसा होगा। क्या गुरु महाराज की लीला का वर्णन किया जा सकता है? क्या उनके एक कण के विस्तार और महिमा का भी वर्णन कोई कर सकता है या बखान कर सकता है? कदापि नहीं। धन्य है मेरे अनामी महाप्रभु, इस अधम से भी अधम, नीच निकृष्ट से भी निकृष्ट जीव पर कितनी दया आप कर रहे हैं। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, इतनी बड़ी भीख मुझे कोई दे नहीं सकता, इसलिए तेरे दर पर दामन पसारा है। अब फूलों के सूर्य के सीन उसके बाद का सुनिए। मेरे बाईं तरफ बड़े सुंदर भव्य महल बनते चले गए। इन भव्य महलों की ऊंचाई का कोई पता नहीं था और न उनमें कोई आदमी ही दिखाई दिया। यह सीन कुछ देर तक रहा और फिर आलोप हो गया। फिर पूरा सैकड़ों मील लंबा चौड़ा मैदान फूलों से भर गया। सुई की नोक जितनी भी जगह खाली नहीं थी। फूल क्रीम और बहुत ही हल्के गुलाबी रंग के थे और ये फूल चल रहे थे, आसमान तक छाए हुए थे। इतने विशाल मैदान का सीन देखते बनता था, पर यह सब परम पूज्य अनामी महाप्रभु गुरु महाराज की दया, मेहर और मेहनत से। अपनी इसमें कोई मेहनत नहीं। काफी देर तक इस जलवे को मैं बराबर देखता रहा। फूल खचाखच मैदान में भरे हैं और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसके बाद फूलों के चलने का सीन आलोप और सैकड़ों मील लंबे चौड़े मैदान में आसमान की तरफ से पृथ्वी की तरफ बहुत बारीक डोरियों पर बहुत ही छोटे छोटे फूल लटक रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाने की कोशिश की है। और ऊपर वे पतली धागे जैसी डोरियां कहां से लटकाई गई थी, कोई आर पार नहीं था, कोई अंत नहीं था। अब सोचिए, अगर मृत लोक में इस प्रकार ऐसी डोरियां या धागे लटकाए जाएं और उनके सहारे बारीक से बारीक फूल उतर उतर कर जमीन पर आ रहे हों, तो वह दृश्य कैसा मालूम देगा। हे दाता, आपकी दया माया अजब निराली है, वर्णन से बाहर है। कुछ देर बाद यह सीन भी समाप्त हो गया।
और फिर फूलों की तरह से था अंदाजन। इसके अलावा उस विशाल मैदान में और भी सीन चालू थे जो वर्णन से बाहर थे। अति सुंदर नज़ारों से जमीन आसमान सब भरा हुआ था। इन सीनों को मैं सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक 2 घंटे तक बराबर देखता रहा। अब सोचिए, जहां क्षण भर में कई कई सीन बदलते हों तो 2 घंटे में कितने सीन बदले होंगे, क्या कोई गिनती कर सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। तो ये सरल साधना और फोकट में अपने घर पहुंचाना, ये सीन तो सतलोक से अरबों खरबों मील पहले के हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि सतलोक का क्या हाल होगा। जैसा कि तकी मियाँ जैना धर्मा कर्मा और दूसरे पंडित माना नैनू श्यामा करिया सैनी, जिनको गोस्वामी जी महाराज ने नामदान दिया, वो सब गोस्वामी जी महाराज को बताने उनकी कुटिया पर गए और चरणों में पड़कर अर्ज की कि खुदा के भी खुदा, आपके फजल से यानी कृपा से हमने ये सब कुछ देखा। तो गोस्वामी जी तो सब जानते थे कि इन्होंने क्या क्या देखा। इसी प्रकार मैंने क्या क्या देखा, तो परम पूज्य गुरु महाराज तो सब जानते हैं क्योंकि वही तो सब दिखा रहे हैं। पर मैं आप लोगों के लिए लिख कर जा रहा हूँ कि मुझे गुरु महाराज ने क्या क्या दिखाया, और ये सब मैं उन्हीं की प्रेरणा से लिख रहा हूँ। जय गुरुदेव।